और अब मैं आपको सुनाता हूं उमुल मोमिनीन सैदा मैमूना बिनते हारिस के वाकयात और हालात आप रजी अल्लाह अनहा का नाम बर्रा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमूना रखा वालिद का नाम हारिस बिन हुजन था वालिदा का नाम हिंद बिन ते था आप सैदिना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह और सैयदना خالد बिन वलीद रजी अल्लाहू अनहु की हकीकी खाला थी क्योंकि उनकी बड़ी बहन लुबाबा अल कुबरा सैयदना अब्बास रजी अल्लाहू अनहु की زوجह महतरमा थी और इब्न अब्बास की माँ थी दूसरी बहन लुबाबा असगरा वलीद बिन मुगिरा की बीवी थी और خالد बिन वलीद की माँ थी सय्यदा मैमूना की कई बहनें थीं इसलिए सय्यदा मैमूना रजी अल्लाहू अनहा की वालिदा हिंद बिनते ऑफ के कई दामाद थे इसी हिंद बिनते ऑफ के मुतालिक कहा गया है कि कायनात इंसानी में सबसे बेहतर दामाद उसके हिस्से में आए हैं उनके दामादों के नाम ये अलैहि मोहम्मद सैयदना अब्बास सैयदना जाफर बिन अबी तालिब सैयदना अबू बकर सैयदना अली बिन अबी तालिब सयदिना हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और सैदिना शद्दाद बिन हाद रजी अलाहम इबन कुबा ने लिखा है कि पूरी दुनिया में हिंद बिन तौफ से ज्यादा कोई औरत अपने दामादों के लिहाज से बुजुर्ग और खुशकिस्मत नहीं सैयदा मैमूना रजी अल्लाह का पहला निकाह जाहिलियत के जमाने में हुआ उनके खावन का नाम मसूद बिन अमर सख्फी था किसी वजह से दोनों में अलहदगी हो गई

तो आपके लिए यह हिबा जायज था आप चाहते तो ऐसी औरत से निकाह कर सकते थे सय्यदा मैमूनआ रजी अल्लाहू अन्हा ने भी खुद अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह के लिए पेश कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया रिवायत के मुताबिक ये निकाह उमरतुल क़ज़ा के मौके पर मुनाक़िद हुआ क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उমরা करने की गरज से निकले थे इसलिए आप हालत एहराम में थे इससे बाज़ लोगों को यह फहमी हुई कि सय्यदा मैमूना रजी अल्लाहू अनहा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हालत एहराम में हुआ जबकि सय्यदा मैमूना रजी अल्लाहू अनहा इस बात की تردید करती हैं और फरमाती हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के साथ मेरा निकाह हुआ तो आप एहराम में नहीं थे और खुद सयदा मैमूना भी एहराम में नहीं थी क्योंकि हालत अहराम में निकाह करना जायज ही नहीं है सयदा मैमूना रजी अल्लाह ने अपने आप को खुद नबी सल्लल्लाहु के साथ निकाह करने के लिए पेश किया था इस बारे में सूर अहजाब की आयत पचास नाजिल हुई फिर सयदा मैमूना रजी अल्लाह रसूल सल्लाम के साथ मदीना तय्यबा आ गई ममूना का निकाह मकाम में सर्फ में हुआ और सरिफ ही के मकाम पर आपका इंतकाल हुआ वफात का सन इकसठ लिखा है ये वाकदी की रिवायत है मोहम्मद बिन इसहाक ने वफात तिरसठ हिजरी लिखी है बुखारी में है कि उनका जनाजा उठाया गया तो सैदना इबन अब्बास रजी अल्लाह ने फरमाया रसूल सौजह महतरमा है उनके जनाजे को ज्यादा हरकत ना दो अदब अदबराम के साथ चलो सयदिना इब्ने अब्बास ने नमाज जनाजा पढ़ाई और कब्र में उतारा आपकी रिवायत करदा अहादीस की तादाद छियालीस है और बास किताबों से मालूम होता है कि तादाद छिहत्तर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तामील हर वक्त उनके पेश नजर रहती अल्लाह से बहुत डरती थी सीला रहमी करती थी गुलाम आजाद करने का बहुत शौक था एक مرتبہ आपने एक लौंडी को आजाद किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सवाब की खुशखबरी सुनाई सयदा कभी-कभी कर्ज भी ले लेती थी एक مرتبہ कर्जा लिया रकम कुछ ज्यादा थी किसी ने पूछा आप इस रकम को अदा कैसे करेंगे आपने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो शख्स कर्ज अदा करने की नियत रखता हो तो अल्लाह ताला उसका कर्ज अदा फरमा देता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अजवाज मतहरात में से सबके बाद सयदा मैमुना का इंतकाल हुआ अल्लाह ताला आप रजी अल्लाह पर हजार खा रहमत नाजिल करें।